दोस्तों, जो अभी आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो किसी मस्जिद का है और देखने से साफ पता चल रहा है कि ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे का यानी 27 जुलाई शनिवार को तकरीबन शाम 4:30 बजे का है। ये वीडियो में दिख रहे शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ, इसे इतनी जोर से धक्का किसने मारा, इस वीडियो के साथ जो बताया जा रहा है कि ये शख्स अकेला मस्जिद में बैठा था मिंबर के बिल्कुल सामने और इसे कुछ होने लगता है। फिर जब ये वहां से भागने की कोशिश करता है तो इसे एक जोरदार सामने से धक्का लगता है, जैसे किसी ने जोरदार गुस्से में धक्का दिया हो और ये शख्स उड़कर गिर जाता है। इस वीडियो के साथ ये भी लिखा हुआ था कि नमाजियों से गुजारिश है कि जमात का वक्त निकलने के बाद मिंबर से दूरी रखकर या पहली सफ छोड़कर नमाज पढ़ी जाए, शायद जिन्नातों को खलल हुई है तभी ऐसी हरकत हुई है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्नात तो यकीनन होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें आग से बनाया है। अगर आपको ये पता था तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारे खाने पीने की चीजों को जिन्नात कैसे चुराते हैं और वो कौन से अमल हैं जिनके करने से शयातीन जिन्नातों से बचा जा सकता है, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं, जिन्नातों का खाना क्या है और कैसा है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन सुबैर रसूलल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरमे काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया क्योंकि ये औरतें आम औरतों की तरह नहीं थीं। जब वो औरतें तवाफ से फारिग हुई हरम से बाहर निकल गईं, मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में और जान सकूं। चुनाचे मैं उनके पीछे चल दिया और वो चलती रहीं यहाँ तक कि वो मुश्किल तरीन जगह पर पहुँच गईं, फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गईं, फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया यहाँ तक कि वो एक वीरान जंगल में पहुँच गईं। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, ए इब्ने जुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल किया कि आप लोग कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच गया तो जवाब में उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें हैं और ये जिन्नातों में से थीं। तो उन जिन्नातों ने पूछा, ए इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को मेरा दिल चाह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वो मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई हैं इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों में भी इस्लामी अहकामात पर चलने के पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद हैं। मुख्तलिफ हदीस में और रिवायत में ये मिलता है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, इसी जिन्नात में भी दीन इस्लाम के मानने और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं, यानी इसमें मोमिन भी हैं और इसमें काफिर भी हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन हैं, इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन जिन और इंसान को कहते हैं।
जो जिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ वो मोमिनीन के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया और आखिरत और जन्नत में इनके साथ होगा, और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नहीं माना वो शैतान है और वो मोमिनीन की जमात से दूर है और इसका ठिकाना जहन्नुम है। उलमा फरमाते हैं कि जिंदा अकल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक की तीन किस्म हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में से भी हर एक के दो टाइप्स हैं, नेक और बुरे। नेक इंसान को अबरार कहा जाता है, फिर इनमें रसूल और नबी भी होते हैं, और आम इंसानों में बुरे लोगों को अशरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं। और जिन्नात में जो बुरे जिन्नात होते हैं इनको शयातीन कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, अबू अल असद रूमी से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने मास इब्ने जबल रसूलल्लाह तआला अन्हु से गुजारिश की कि आप मुझे उस शैतान का किस्सा सुनाएं जिसको आपने गिरफ्तार किया था। तो हजरत मास इब्ने जबल रसूलल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सदकात का निगरान मुकर्रर फरमाया। मैंने उन खजूरों को एक कमरे में रख दिया, फिर मैंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, तो मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बताया, तो आपने फरमाया ये शैतान है जो खजूरें उठाकर ले जा रहा है। तो मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने देखा एक बड़ी तारीकी आकर दरवाजे पर छा गई, फिर उसने हाथी की शक्ल इख्तियार की, फिर एक दूसरी शक्ल इख्तियार की, फिर दरवाजे के सुराख से दाखिल हो गया। मैंने भी हिम्मत बांध ली, उसने खजूरें खाना शुरू कर दी, चुनाचे मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे बाल बच्चे हैं, मैं फकीर हूँ और नसीबैन के जिन्नात में से हूँ। तुम्हारे नबी के आने से पहले ये बस्ती हमारी थी, हम यहाँ पर रहते थे, फिर जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माबूस किया गया तो हमें इस बस्ती से भगा दिया गया, लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा। चुनाचे मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और इस वाक्ये की इत्तला आपको दी। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई
फिर एक मुनादी ने निदा की कि माज बिन जबल कहाँ हैं? तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया, ऐ माज, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारा वाक्या सुना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोबारा आएगा, लिहाजा तुम तैयार रहना। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं उस कमरे में दोबारा दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। चुनाचे वो दोबारा आया और दरवाजे के सुराख से दाखिल होकर खजूरें खाने लगा। मैंने फिर उसी तरह किया जैसे मैंने पहली मर्तबा किया था, तो उसने मुझसे कहा, मुझे छोड़ दो, अब मैं हरगिज़ दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि दोबारा नहीं आऊँगा। उसने कहा, मैं अब हरगिज़ दोबारा नहीं आऊँगा, और इसकी निशानी यह है कि तुम में से जो शख्स एक मर्तबा सूरह बकरा के आखिरी हिस्से की तिलावत करेगा, तो हम जिनों में से कोई भी उस रात उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। एक और रिवायत में है कि मैं आयालदार हूँ और नसीबैन से आया हूँ, अगर मैं उसके सिवा कुछ पाता तो अल्लाह की कसम दोबारा ना आता। हम आपके इसी शहर में आबाद थे जिसमें आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माबूस फरमाए गए। जब उन पर दो आयतें नाजिल हुई तो हमें इस शहर से निकाल कर नसीबैन में डाल दिया गया। जिस घर में ये दो आयतें तिलावत की जाएंगे, उस घर में शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप मेरा रास्ता छोड़ दें तो मैं आपको वो दोनों आयतें